अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ब्रीडिंग सीज़न एंड हो चुका है और जो भी हमने रिप्रोडक्शन वगैरह करनी थी वो हम कर चुके हैं। तो फिर भी जितने भी आप रिप्रोडक्शन कर लें, जितने भी आप आइडियल चीज़ों पे चल लें, जितने भी आप एक्सपर्ट बन जाएँ रिप्रोडक्शन पे, फिर भी गर्मियों के आते तक, ब्रीडिंग सीज़न के एंड होने के बाद भी जब गर्मी होती हैं, कुछ एनिमल आपके ऐसे लाजमी रह जाते हैं जो रिपीटर एनिमल होते हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं होते। फिर आप फार्मर और डॉक्टर हजरात सोचते हैं कि क्या अब हमें ब्रीडिंग करनी चाहिए आगे। अब इसी के बारे में है कि गर्मियों के अंदर ब्रीडिंग करनी चाहिए कि नहीं, यही सवाल आते हैं मुझे काफ़ी सारे। और क्या उस ब्रीडिंग को, किस तरह की ब्रीडिंग हमें प्लान करना चाहिए, कैसे करवानी चाहिए उनकी ब्रीडिंग, किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए इन काउस के लिए का, कि ये अच्छे मौसम में, सर्दियों में प्रेग्नेंट होती हैं और गर्मियों में नहीं होती। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, गर्मियों के अंदर इनको प्रेग्नेंट करना बहुत मुश्किल है। कंसेप्शन रेट बहुत कम हो जाता है, हाफ से भी कम रह जाता है जो हमें सर्दियों में मिलता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो वो फार्मर्स जो कि इम्पोर्टेड एनिमल ले आए हैं और ऐसे मौसम में लाए हैं कि उनकी काविंग हुई है मार्च में, फेब में, और अब वो कहते हैं कि हमारी मई जून के अंदर जो है ब्रीडिंग जो है हम करवाना चाहें, तो उनके लिए मसला ये होगा कि मई जून के अंदर ब्रीडिंग के उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे उन्हें। फिर वो डॉक्टर्स को भी कहेंगे कि भाई क्यों नहीं अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे, और डॉक्टर भी आगे से जस्टिफाई जो है वो नहीं कर पाते कई बार कि भाई क्या वजह बन रही है। तो मेन वजह यही है, गर्मी है, गर्मियों के अंदर एनिमल ने कंसीव नहीं होना। अब पहले तो मैं ये रीज़न आपसे शेयर करूंगा कि गर्मियों के अंदर एनिमल कंसीव क्यों नहीं होता, इसकी आपको साइंस समझनी पड़ेगी। अब ये जो एनिमल हैं इनका एक ख़ास थर्मो न्यूट्रल जोन है। थर्मो न्यूट्रल जोन हम कहते हैं कि ये ख़ास टेम्परेचर, ख़ास ह्यूमिडिटी की रेंज के अंदर ये कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उससे ऊपर जाती है तो ये स्ट्रेस फील करते हैं, अपनी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो चेंज होने लग जाते हैं इनके, ठीक है। इनके अंदर स्ट्रेस आना शुरू होता है, आप नॉर्मली भी इसे फिजिकली देख सकते हैं, और सेलुलर लेवल के ऊपर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। तो इनका जो थर्मोन्यूट्रल जोन है वो 26-28 टेम्परेचर के ऊपर ये बड़े ही कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे ही इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये गर्मी महसूस करना स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, तो हालात और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त में और सेप्टेम्बर में मौसम अब की नस्बत और ज़्यादा तंग करेगा एनिमल को, जबकि अब भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा, नमी इतनी ज़्यादा नहीं है हवा में। आज वैसे मौसम बड़ा ज़बरदस्त है तो ये एक अच्छा साइन है। तो ये देखना होगा कि गर्मी की शिद्दत कितनी है और उसका क्या असर हो रहा है एनिमल के ऊपर। अब एनिमल के अंदर होता क्या है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो एग बनता है ओसाइट, वो गर्मी से डैमेज हो जाता है, उसके अंदर डीएनए डैमेज होता है। वो बड़ी ही अंदर की साइंस है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डैमेज हो जाती हैं। तो वो एक अच्छी क्वालिटी का एग तो बनता ही नहीं गर्मियों के अंदर, पहली बात, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि आपने एआई की स्पर्म अंदर ट्रांसफ़र किया गर्मी के अंदर, अगर आप जानवर के अंदर हाथ डालें तो आपको टेम्परेचर फील होगा जानवर का, ऐसे जैसे कि जानवर को बुखार हुआ हुआ है। गर्मी के अंदर तो ऐसे होता है, मैं अक्सर एनिमल गर्मियों में चेक करता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और सर्दियों के अंदर चेक करता हूँ थोड़ा एनिमल गर्म होता तो हाथ डाले हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी AITs और डॉक्टर्स मुझसे रिलेट करेंगे। तो गर्मी के अंदर वैसे अंदर से जानवर गर्म हुआ होता है, आप उसमें इंसेमिनेशन करते हैं, स्पर्म भी जो है वो गर्मी से डैमेज होते हैं, इसीलिए हम उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन -196 के ऊपर रखा होता है हमने उसे। फिर बाद में थाइंग करके उनके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है, लेकिन जानवर का अंदर का टेम्परेचर तो 37 से भी ज़्यादा होता है। तो वो स्पर्म भी वो गर्मी की वजह से जो उसके बच्चेदानी का जो ट्रैक है उसके अंदर जो गर्मी होती है उसकी वजह से स्पर्म भी जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। चले डैमेज हो गए, ये दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह ये कि जब वो स्पर्म और जो एग है वो मिल जाते हैं, उससे जो बच्चा बनता है जाइगोट, वो तकरीबन 3 दिन तक गर्मी से सेंसिटिव रहता है, कि 3 दिन का जो बच्चा होता है
उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो अपने आप को गर्मी से बचा सके, तो अक्सर वो बच्चा मर जाता है, ठीक है। और 3 दिन के बाद अगर वो सर्वाइव कर जाए तो फिर उसके अंदर गर्मी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जानवर गर्मियों में रिपीट करते हैं। एक वजह तो ये हो गई कि आपका जो एग है, ओसाइट है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बना। दूसरा, स्पर्म जो हैं वो डैमेज हो गए गर्मी की वजह से, जब यूट्राइन ट्रैक में चले गए, यूट्रस में चले गए। और तीसरा ये कि बच्चा भी सेंसिटिव है, तो इसलिए आपके पास गर्मियों में इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि गर्मियों के अंदर आप कोई ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स लगाएं और एनिमल को प्रेग्नेंट करें। हाँ, जो एनिमल ख़ुद हीट में आता है तो उसकी यही कर दें, लेकिन उससे भी आप बहुत अच्छे कंसेप्शन रेट वो सर्दियों वाले एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा, तो अब ये तो हो गया कि ये वजह बन गई, लेकिन फिर भी अब मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ रिपीटर एनिमल हमारे पास रह जाते हैं, हम कहते हैं कि उनको तो कम अज़ कम हम प्रेग्नेंट कर लें, तो उनके लिए बेशक आप ब्रीडिंग जो है वो थोड़ी बहुत चालू रखें, चलाई रखें, ताकि वो एनिमल आपके जो रह गए हैं सर्दियों में वो गर्मियों में प्रेग्नेंट हो जाएं। अब उनके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा कुछ ऐसी जो आपके लिए फिजिबल होंगी कि आप उनको प्रेग्नेंट कर लेंगे, थोड़ा बेहतर कंसेप्शन रेट उनसे हासिल कर लेंगे। अब पहली तो यही चीज़ है कि आपके फार्म के ऊपर, ये ज़रा फार्म दिखाना, फार्म आपके फार्म का टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, ये पंखे लगे होने चाहिए, फैंस हो, शावरिंग सिस्टम हो, ताकि जितना आप एनिमल को ठंडा रख सकें ठंडा रहे। ठंडा रहेगा एनिमल तो ओसाइट की क्वालिटी बेहतर होगी। इसके अलावा जो ओसाइट है उसमें जो डैमेज होता है हीट स्ट्रेस की वजह से, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे सिलीनियम हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, वो आप चीज़ें ऐड करें। इसके अलावा जानवर को कूल डाउन करने के लिए जो आप एनर्जी सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करें, ग्लूकोजा यूज़ करें, एनिमल को बाईपास फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसमें जानवर जो होता है वो ठंडा रहता है, तो उसमें जानवर के बॉडी टेम्परेचर कम रहता है। तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकेंगे कि जो फॉलिकल है ना, उसका जो एग है उसकी क्वालिटी को बेहतर कर लेंगे। तो पहली तरीका तो ये हो गया। दूसरा, ये जो आपने सीमन यूज़ करना है, सेक्स सीमन तो बिल्कुल भूल जाएं गर्मियों के अंदर, कन्वेंशनल सीमन की तरफ जाएं। और कन्वेंशनल बे भी जो रिपीटर एनिमल आपके बच गए हैं उनमें अगर आप बुल मेटिंग करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। अब जो मैंने मई के अंदर ब्रीडिंग करवाई है और जून के अंदर जो मैंने प्रेगनेंसी ली है, उसमें बुल का कंसेप्शन रेट नॉर्मल सीमन के कंसेप्शन रेट से बेहतर आया है। उसकी नॉर्मल वजह है कि बुल के अंदर जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल सीमन के अंदर बहुत कम होते हैं। तो वो स्पर्म डैमेज हो भी जाए अगर बच्चेदानी के अंदर, तो फिर भी बुल के स्पर्म्स में कुछ ऐसे स्पर्म्स बच जाते हैं जो कि कंसीव करवा दें एनिमल को, तो बुल यूज़ करें। या फिर मैंने ये भी देखा है कि इन गर्मियों में रिपीटर एनिमल में मैंने जिनमें चोलिस्तानी का सीमन यूज़ किया है उसने अच्छा रिजल्ट दिया है, बनिस्बत इस ऐसे एनिमल जिनमें मैंने फ्रीजियन का सीमन यूज़ किया है। अब उसकी मुझे जो लॉजिक समझ आती है वो ये है कि चोलिस्तानी जो है एक हीट रेजिस्टेंट एनिमल है, तो हीट रेजिस्टेंस सिर्फ इसके ओवरऑल ऊपर वाली बॉडी में नहीं है, इसके हर सेल्स के अंदर है। और स्पर्म्स भी एक किस्म के सेल्स हैं, तो इनके अंदर भी हीट रेजिस्टेंस होती है। तो जब ये ट्रैक में जाते हैं तो उनके अंदर हीट रेजिस्टेंट होती है, और जब आगे जाके इनसे बच्चा बनता है तो बच्चा भी इनका हीट रेजिस्टेंट होता है बनिस्बत बाकी फ्रीजियन एनिमल के। इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते होंगे, मुझे फ़र्दर स्टडी करनी पड़ेगी या इसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी हो सकती है कि चोलिस्तानी के जो 1 से 3 दिन का जो बच्चा होता है उसको अगर हम देखा जाए कि उसके अंदर कितनी एक हीट रेजिस्टेंस है और कितना एक वो ही सेंसिटिव है। तो चोलिस्तानी का सीमन यूज़ करें, और या फिर बुल मेटिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं तो आपके एनिमल जो रिपीटर एनिमल हैं वो आपके एनिमल कंसीव हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तब करें जब एनिमल जो रिपीटर एनिमल है उसका जो मेन इशू है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर रहा, इन्फेक्शन है, सिस्ट है या कोई और इशू है, उसको रिजॉल्व करने के बाद। तो इस किस्म की गर्मियों की आप स्ट्रेटजी बनाएं कि इस किस्म के आपने काम करने हैं कि आपने क्या करना है कि ओवरऑल प्रोटोकॉल्स लगाना शुरू नहीं करने, सिर्फ रिपीटर एनिमल्स को प्रेग्नेंट करना है। और वो भी इन स्ट्रेटजीज़ के साथ अगर आप चलेंगे तो एक तो आपकी कॉस्ट भी मिनिमाइज़ होगी और आपका जो गर्मियों के अंदर कंसेप्शन रेट है वो भी बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इस तरह की वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।